देश के सागर जिले में जिंदा गांव में दो ऐसे स्कूल हैं जो चलाए जा रहे हैं, जिन्हें 5 साल पहले ही बंद कर दिया जाना था। यहां पर प्राथमिक स्कूल में कुल दर्जन 6 विद्यार्थी हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए 6 शिक्षक पदस्थ किए गए हैं, जबकि जिंदा गांव की माध्यमिक स्कूल में महज 3 विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जिसके लिए 5 शिक्षक रखे गए हैं। यानी कि दोनों स्कूल में 9 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 8 शिक्षकों को पदस्थ किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग का नियम है कि 20 से कम विद्यार्थी होने पर स्कूल को बंद कर दिया जाता है और वहां के विद्यार्थियों को नजदीक के ही स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा करने की जगह नए शिक्षकों को पदस्थ किया जा रहा है। कुल मिलाकर हर साल सैलरी के नाम पर करीब 60 से 70 लाख रुपए व्यय किया जाता है। अभी वर्तमान में 7 छात्र हैं हमारे यहाँ, शिक्षक 5। जिंदल स्कूल का मामला भी कुछ दिन पहले हमारे संज्ञान में आ गया था, जब चूँकि छुट्टी चल रही थी स्कूलों की, तो उसकी कार्रवाई के लिए हमने फाइल तैयार की है और उस स्कूल को हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उसकी स्ट्रेंथ कम है और टीचर जा रहे हैं वहाँ, तो टीचरों का उसी संकुल में समायोजन हो जाएगा और स्कूल जहाँ प्राइमरी स्कूल है उसको हम मिडिल स्कूल में कन्वर्ट, इसी स्कूल जो है मिडिल में सम्मिलन करा देंगे, तो शासन का व्यय बच जाएगा और एक मिडिल स्कूल कहीं खुल जाएगा। ये प्रावधान कलेक्टर से अनुमोदन करा के और कमिश्नर को भेजेंगे फिर भोपाल।